अरे कर भाई, अरे यार छूटना चाहिए भाई, जब बैठने की जगह मिली है छूटा। उधर देख, उधर उधर उधर, मम्मा मम्मा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे बहुत ही। तो हम सब निकल गए हैं एक स्पेशल जगह पे जाने के लिए, और वो स्पेशल जगह क्या है आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे भैया और भाभी में चल रही है थोड़ी सी बहस कि किसने लेट करवाया है। वैसे लेट हुए नहीं है, बट फिर भी थोड़ा तो टाइम हो गया था ओवर। तो ये देखिए गाँव का व्यू, ये अभी हम निकल रहे हैं। तो ये खेत खलिहान, ये देखो ये एक घर था जिसके आगे रंगोली बनी हुई थी, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं। और ये देखिए कितना शांत और कितना प्यारा लग रहा है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। अभी हम निकले तो पैदल हैं, बट पैदल हम उस जगह तक जाएंगे नहीं जहाँ के लिए हम निकले हैं, क्योंकि बहुत दूर है। तो ये हम सड़क पे पहुँच गए और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे ऑटो का, बट यहाँ पे ऑटो नहीं मिल रहे थे तो हमें बाइक्स मिल गई हैं। तो अब हम एक एक करके बाइक पे जा रहे हैं। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. तो अब फाइनली हम पहुंच गए हैं ये माँ बागेश्वरी शक्ति धाम। ये देखिए कितनी, अब एक एक करके सब यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी भाभी पहुँची हैं। माँ बागेश्वरी धाम, ये एक शक्ति पीठ है। तो पहले अभी हम यहाँ पे परिक्रमा करेंगे, उसके बाद अंदर जाके फिर पूजा करेंगे। तो पहले यहाँ पे पैर धो लेते हैं सभी, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे परिक्रमा। कितनी खाली खाली जगह, दर्शन कर लीजिए। सबकी इच्छाएं पूरी करती हूँ, मुझे माँ भागेश्वरी जी की। और यहाँ पे छोटे छोटे कई मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ पे ये भोलेनाथ जी का एक मंदिर बना हुआ है छोटा सा, यहाँ भी हम दर्शन करने आए हैं। और ये एक मंदिर और है, चलिए यहाँ भी हम दर्शन करते हैं।
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. आप भी दर्शन कर लीजिए. ये भैरवनाथ जी हैं. चलिए अब मैं आपको यहाँ पे जंगल दिखाती हूँ कि ये मंदिर कैसे एक जंगल के बीच में है. पहले ये जंगल बहुत ही घना था, इतना घना था कि यहाँ पे आने में भी इतना डर लगता था, पर अब तो काफ़ी पेड़ सूख गए हैं. फिर भी है काफ़ी ही घना जंगल. देखिए कितनी शांत जगह है, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी शोर नहीं है, बहुत शांत जगह है ये. बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा लगता है. तो ये देखिए जंगल के बीच में एक नदी भी है. मैं आपको पास से दिखाती हूँ नदी. और ये नदी देखते देखते मेरी नज़र पड़ गई इस छोटी सी पहाड़ी पे, जिसे पास जाके मैंने देखा तो पता लगा ये चींटियों का घर है, जिसे चींटियों ने बनाया है. देखिए और फिर जब हम सबको यहाँ घूमते हुए भाभी देखी तो वो भी आ गई हैं, और यहाँ पे भैया और भाभी दोनों फोटो करवा रहे हैं. ये देखिए इनकी मस्ती है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती है. काफ़ी मस्ती, काफ़ी घूमने के बाद अब हम सब थक गए हैं, तो यहाँ पे हम बैठ गए हैं. अब थोड़ा बैठेंगे. यहाँ एक चटाई हमें मिल गई थी. और फिर भूख भी लग गई थी तो हम घर से ये कुछ लेके आए थे, तो थोड़ा थोड़ा हमने ये सब खाया. और फिर हमारी काफ़ी मस्ती हुई, काफ़ी बातें हुई. और फिर यहाँ पे हमें ये कुछ जीव भी दिख गए, जिन्हें भी हमने थोड़ा दे दिया, शेयर कर लिया ताकि ये भी खा लें. और फिर मेरा काम था ये सारे डिस्पोजल्स इकट्ठे करके ले जा कर के डस्टबिन में डालने का, जिसे मैं लेके जा रही हूँ. और यहाँ पे ये डस्टबिन मुझे मिल गई है क्योंकि. और यहाँ पे हम सब खा पी के थोड़े बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं आपस में. और ये देखिए लीची के साथ मेरी मस्ती चल रही है. और ये देख के सर ये इतने ध्यान से. इसे घूमना बहुत पसंद है. और फिर अभी भी भूख शांत नहीं हुई थी तो हम ये थोड़े समोसे मंगवाए थे, और फिर हमने थोड़ा सा समोसे पार्टी की. और अब चलते हैं घर की तरफ, बहुत घूमना फिरना हो गया, घर भी जाना है. बाइक लेके आ गए हैं हम सबको ले जाने के लिए. तो इधर पहले जा रही हैं भाभी. और एक बाइक इधर से हो रही है रवाना. तो अब हम सब भी बैठ के यहाँ क्या करेंगे, तो इसलिए धीरे धीरे निकलते हैं यहाँ से पैदल पैदल. ये सब यहाँ पहुँच गए और मैं अभी पीछे ही हूँ. मुझे भाग के जाना पड़ेगा इनके पास, नहीं तो डांट पड़ेगी कि कहाँ पीछे रह गई है. ये देखिए कितनी खाली जगह है, कितनी शांत जगह है. ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुकून मिलता है. तो अब हम सब निकल गए हैं घर के लिए. आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय. राधे राधे.